मैं डॉक्टर आर पी सिंह आपका अपने यूट्यूब चैनल डॉक्टर राघो आयुर्वेदा शक्ति में स्वागत करता हूँ। बिच्छू बूटी को लोग डंक मारने वाले पौधे के रूप में जानते हैं, इसलिए इसे बिच्छू बूटी कहा जाता है। इस जड़ी बूटी को कई लोग झुझलाहट के रूप में जानते हैं, क्योंकि इसको छूने पर त्वचा में झनझनी जलन फैल जाती है। इसका वैज्ञानिक नाम अर्टिका डाइओका है। इसकी सबसे अधिक खेती अफ्रीका, यूरोप, एशिया और उत्तरी अमेरिका में की जाती है। बिच्छू बूटी के सबसे महत्वपूर्ण स्वास्थ्य लाभों में शरीर को डिटॉक्सिफाई करना यानी विषाक्त पदार्थ निकालना, चयापचय की दक्षता में सुधार, प्रतिरक्षा स्वास्थ्य को बढ़ावा देना, परिसंचरण में वृद्धि, ऊर्जा के स्तर में सुधार, माहवारी का प्रबंधन, रजोनिवृत्ति के लक्षण कम करना, त्वचा को स्वस्थ रखना, गुर्दों और पित्ताशय की थैली के स्वास्थ्य की सुरक्षा करना, सूजन को कम करना, मांसपेशियों में वृद्धि, हार्मोनल गतिविधि को नियमित करना, शुगर की बीमारी को रोकना, रक्तचाप कम करना, बवासीर को कम करना और श्वसन प्रक्रिया में सुधार लाना आदि होते हैं। बिच्छू बूटी में पाए जाने वाले फायदेमंद पोषक तत्वों की वजह से यह शरीर के लिए बहुत ही अच्छा डिटॉक्सिफायर है और इसे विषाक्त पदार्थों को शरीर से साफ करने के लिए जाना जाता है। एक मूत्रवर्धक पदार्थ के रूप में भी इसे जाना जाता है। बिच्छू बूटी से पाचन प्रक्रिया सुचारू रूप से चलती है, जिससे शरीर में खतरनाक विषाक्त पदार्थों के संचय को रोकने से बचाया जा सकता है। यह लसिका प्रणाली को भी उत्तेजित करता है, जो कि गुर्दे में अतिरिक्त विषाक्त पदार्थों से छुटकारा दिलाने में मदद करता है। बिच्छू बूटी से बनी चाय को अक्सर उन गर्भवती महिलाओं को पीने का सुझाव दिया जाता है जो अधिकतर लेबर पेन से गुजर रही हों, और यह बहुत अधिक ब्लीडिंग से भी रक्षा में मदद करता है, क्योंकि यह एक कोएगुलेंट पदार्थ जिसके कारण रक्त जम जाता है के रूप में कार्य कर सकता है। इसके अलावा स्तनपान कर रही महिलाओं में बिच्छू बूटी मान के दूध के बनाने में बहुत मदद करती है। बिच्छू बूटी में कई सक्रिय घटक होते हैं जो स्त्री स्वास्थ्य को प्रभावित करते हैं। यह दर्दनाशक प्रीमेंस्ट्रुअल के लक्षणों, ऐंठन और सूजन को कम करने में मदद कर सकती है। इसके एस्ट्रिंजेंट गुणों के कारण मासिक धर्म के दौरान रक्त के प्रवाह को कम किया जा सकता है। जो महिलाएं रजोनिवृत्ति से गुजर रही हैं, यह उनके लिए भी उपयोगी है, क्योंकि यह रजोनिवृत्ति के बाद होने वाले बदलाव को सामान्य रखने में मदद करता है। बिच्छू बूटी में मौजूद विटामिन सी और लौह की उच्च मात्रा का संयोजन लाल रक्त कोशिकाओं के उत्पादन को उत्तेजित करने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। यह शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं की संख्या को बढ़ाने, रक्त परिसंचरण को बढ़ाने, घावों को ठीक करने और शरीर के ऊपरी हिस्से में ऊर्जा के स्तर को बढ़ाने के लिए आवश्यक ऑक्सीजन प्रदान करने में मदद करता है। इसी कारण से बिच्छू बूटी अक्सर थकान या एनीमिया से राहत दिलाने के लिए उपयोग करने की सलाह दी जाती है, जिसे सामान्य मांसपेशियों की कमजोरी, थकावट, संज्ञानात्मक कठिनाइयों और सिरदर्द से जोड़ा जाता है। बिच्छू बूटी में मूत्रवर्धक गुण होते हैं और मूत्र त्याग करने में भी सहायक होते हैं। यह मूत्र संक्रमण, मूत्राशय के संक्रमण और मूत्राशय में पथरी और अन्य मूत्र संबंधी समस्याओं के उपचार में प्रयोग की जाती है। यह मूत्राशय में से पत्रों को छोटे टुकड़ों में तोड़कर मूत्र के साथ उन्हें बाहर निकालने में मदद करता है। यह दस्त और पेचिस के उपचार में भी सहायक होता है। बिच्छू बूटी एक उत्तेजक और रूबीफेंसेंट पदार्थ है, जिससे यह विभिन्न सूजन की समस्याओं में मदद करती है, जैसे गठिया या पुरानी मांसपेशियों में दर्द। शोध से पता चलता है कि बिच्छू बूटी से बनी चाय या हर्बल सप्लीमेंट प्रभावी ढंग से मांसपेशियों में दर्द को शांत करने और गठिया के लक्षणों को कम और गठिया का इलाज करने में मदद करता है। शायद आपने बोरान के बारे में ज़्यादा ही नहीं सुना होगा, लेकिन यह हमारे शरीर में एक महत्वपूर्ण खनिज तत्व होता है जो बिच्छू बूटी में पाया जा सकता है। बोरान को हमारी हड्डियों को ठीक करने और कैल्शियम सामग्री से वैज्ञानिक रूप से लिंक किया गया है, जिसका अर्थ है कि बिच्छू बूटी ऑस्टियोपोरोसिस की शुरुआत धीमी कर सकती है। बिच्छू बूटी हड्डियों के स्वास्थ्य को नियमित और मॉनिटर करने में मदद करती है। बिच्छू बूटी विभिन्न प्रकार की श्वसन समस्याओं के उपचार में मदद कर सकता है, जिनमें अस्थमा और अन्य मौसमी एलर्जी शामिल होती हैं। अध्ययनों से पता चला है कि बिच्छू बूटी से प्राप्त अरक को अन्य जड़ी बूटियों के संयोजन में मिलाकर या मिला देने से एलर्जी की प्रतिक्रियाओं को कम कर सकते हैं। बिच्छू बूटी से बनी चाय का नियमित उपयोग ऑस्ट्रेलिया में पीढ़ियों से अस्थमा के इलाज के लिए किया जाता रहा है। बढ़े हुए प्रोस्टेट और प्रोस्टेट कैंसर दोनों गंभीर बीमारियां होती हैं, लेकिन बिच्छू बूटी प्रोस्टेट के विकास को रोकने के
लिए एक प्रभावी इलाज साबित हुई है। हालांकि बिच्छू बटी केवल इनके विकास को ही नहीं रोकती, बिच्छू बटी की खुराक को मितली और दस्त को कम करने के लिए उपयोग करने की भी सलाह दी जाती है। यह एक अल्सर और बवासीर को ठीक करने में मदद कर सकती है। जब इसके अर्क को त्वचा पर लगाया जाता है तो एक्ने को कम करने के लिए उपयोगी साबित हुई है, और इसके अलावा यह विभिन्न प्रकार के बैक्टीरियल संक्रमण से छुटकारा दिलाने में भी मदद कर सकती है। इसके एंटीऑक्सीडेंट गुणों के कारण यह उपचार को जल्द ठीक करने में भी लाभदायी है। यह निशानों को कम करने में सहायक है और साथ ही यह झुर्रियों और बढ़ती उम्र के लक्षणों को कम करने के लिए भी लाभकारी होता है। बिच्छू बटी का उपयोग बाल झड़ने का मुकाबला करने के लिए सबसे पुराना उपचार है। बिच्छू बटी कैप्सूल और चाय को आंतरिक रूप से बालों के झड़ने के इलाज के लिए उपयोग में लाया जाता है, जबकि बिछुआ तेल का उपयोग करके बालों के झड़ने को रोका जा सकता है। नारियल या सरसों के तेल के साथ बिच्छू बटी के पत्तों का रस निकालकर अपने बालों पर लगाएं। यह रूसी के लिए बहुत प्रभावी उपचार होता है। बिच्छू बटी एक लिबिडो उत्तेजक के रूप में कार्य करता है, क्योंकि यह टेस्टोस्टेरोन के स्तर को बढ़ाता है और शरीर को लंबे समय तक बनाए रखने में भी मदद करता है। यह सेक्स ड्राइव में सुधार के लिए भी एक प्रभावी उपाय है। बिच्छू बटी में रक्त को पतले करने वाले गुण होते हैं, जो शरीर के रक्त के थक्के की क्षमता को प्रभावित करती है। बिच्छू बटी रक्त शर्करा के स्तर को कम कर सकती है, इसलिए यदि आप मधुमेह को कम करने के लिए दवाएं ले रहे हों तो इसका उपयोग आपके रक्त स्तर को कम करने के जोखिम को बढ़ा सकता है। इसलिए इसके उपयोग से पहले अपने रक्त शर्करा के स्तर की जांच करवाएं। बिछुआ का उपयोग रक्तचाप के स्तर को कम करता है, इसलिए यदि आप उच्च रक्तचाप को कम करने की दवाओं का सेवन कर रहे हो तो इस जड़ी बूटी का सेवन न करें, क्योंकि इससे रक्तचाप का स्तर और भी कम हो सकता है। यह बहुत अधिक नींद आने का कारण हो सकता है। बिछुआ सहित किसी भी प्रकार की शामक दवा खाने के बाद ड्राइव न करें। यह एक प्राकृतिक मूत्रवर्धक है और यह मूत्र उत्पादन को बढ़ाता है। यदि आप किसी भी प्रकार की किडनी समस्या से पीड़ित हैं तो इस दवा का उपयोग न करें। बिच्छू बटी में कई प्रकार के रसायन होते हैं, इसलिए इसका अधिक उपयोग पुरुषों में वीर्य स्खलन को कम कर देता है। अरोमाटेस नामक एंजाइम के उत्पादन को रोकता है, जो शुक्राणु उत्पादन के लिए महत्वपूर्ण होता है। धन्यवाद।